मैजिकल सुपर फायर ट्रक जेसीबी रोबोट। एक गांव में कैलाश और शर्मा नाम के विद्यार्थी उच्चतम पढ़ाई करके बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। एक दिन दोनों गांव के मुखिया राम जी के पास आते हैं। तुम्हें देखकर बहुत गर्व हो रहा है, इतना अच्छा पढ़ाई करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। राम जी चाचा, हम अपने गांव की उन्नति के लिए कुछ करना चाहते हैं। बताओ क्या समस्या है? ऐसी कोई खास समस्या तो नहीं है, लेकिन आग फैलने पर उसे निवारण करने के लिए फायर ट्रक होना जरूरी है और गांव के काम काज के लिए जेसीबी की जरूरत है। इतनी सी बात? आप चिंता ना करें, हम खुद बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, अब हम चलते हैं। इस तरह दोनों वहां से प्रयोगशाला पहुंचते हैं। कैलाश फायर ट्रक रोबोट बनाता है और शर्मा जेसीबी रोबोट को बनाता है। दोस्त, जेसीबी रोबोट बहुत कमाल की है, गांव वालों की बहुत काम आएगी। तुम्हारी बनाई हुई फायर ट्रक रोबोट सुपर है, चलो हम इन्हें लेकर गांव जाते हैं। इस तरह दोनों गांव जाने के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जेसीबी चलाते हुए शर्मा कहता है, दोस्त ये जेसीबी कैसे काम करता है, चलो एक बार चेक करें। ठीक है, यहीं एक गड्ढा खोदते हैं। फिर शर्मा सड़क के किनारे एक गड्ढा खोदता है। उसमें से एक बड़ा सा मटका निकलता है। जेसीबी लगाकर फोड़ने से उसमें से दो आत्माएं हंसते हुए बाहर आते हैं, एक जेसीबी रोबोट में और दूसरा फायर ट्रक में प्रवेश करते हैं। इस बात से अनजान कैलाश और शर्मा जेसीबी और फायर ट्रक को लेकर गांव के मुखिया राम जी के पास जाते हैं। बढ़िया यार, तुम दोनों ने अपने कहे मुताबिक जेसीबी और फायर ट्रक बनाकर गांव वालों की सहायता की, हम अब सदा आभारी रहेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है, अब आप इन्हें उपयोग कर सकते हैं। इतने में जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। फिर घरों को तोड़कर आग लगा देता है। फिर पेड़ उखाड़ फेंकता है। दूसरी ओर फायर ट्रक आग को बुझाता रहता है। बाद में फायर ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट से कहता है, रुक जाओ, इस तरह विनाश मत करो, मेरी बात सुनो। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मनुष्य बहुत बुरे हैं। तुमने गलत समझा, एक आदमी गलत होने से संसार के सारे लोग गलत नहीं होते। मुझे सिखाओ मत और हटो मेरे रास्ते से, मेरी बात सुनो, हटो मेरे रास्ते से। उन रोबोट्स में आत्माएं होने के कारण दोनों रोबोट के बीच भयंकर लड़ाई होती है।
यह सब कुछ देखकर गांव का मुखिया राम जी और साइंटिस्ट बहुत घबरा जाते हैं। ये क्या, जेसीबी रोबोट सारे गांव का विनाश कर रहा है। मैंने सोचा आप गांव की मदद कर रहे हो, लेकिन ये तो सब विनाश हो रहा है। अब इस रोबोट को कैसे रोकेंगे? पता नहीं ये जेसीबी रोबोट ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, कुछ गड़बड़ है। पता नहीं क्या हुआ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या करें, सारे घरों का विनाश हो गया और सारे पेड़ गिर गए। क्या आप दोनों गांव का विनाश करने के लिए यहाँ आए हो? आप साइंटिस्ट हो या क्या हो, तुरंत यहाँ से चले जाओ। हमें माफ कर दीजिए, फायर ट्रक रोबोट तो सही है, लगता है जेसीबी रोबोट में कुछ खराबी है। अभी ठीक कर देंगे और जितना भी नष्ट हुआ है वह सारा पैसा हम देंगे, चिंता ना करें। कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके आप ये यंत्र लेकर यहाँ से चले जाइए। हम पर भरोसा करें, हम सारे घर फिर से बनाएंगे। इतने में वहाँ स्वामी जी आकर कहते हैं, इसमें इन साइंटिस्ट का कोई दोष नहीं, असल में इन यंत्रों में आत्माएं हैं, इसीलिए यंत्रों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। जेसीबी रोबोट में जो आत्मा है वो मनुष्य को द्वेष करता है, जो आत्मा फायर ट्रक में है वो मनुष्य को प्रेम करता है। स्वामी जी, अभी हम इन्हें कैसे रोकेंगे? आप चिंता ना करो, मैं अभी इन पर मंत्र जल छिड़कता हूँ, अभी रुक जाएंगे। इस तरह स्वामी जी के यंत्रों पर मंत्र जल छिड़काव करते ही वे रोबोट फायर ट्रक जेसीबी में बदल जाते हैं। फिर फायर ट्रक रोबोट का आत्मा कहता है, हमें माफ कर दीजिए, मेरे मित्र के कारण सब कुछ नष्ट हो गया। मैं सारा पैसा दे दूंगा जिससे आप अपने घर बना लीजिए। क्या, फायर ट्रक हमें पैसे देगी? कैसे? हाँ राम जी, सब कुछ समझाना इतना आसान नहीं है, बस देखते जाओ कि क्या होगा। इतने में फायर ट्रक पाइप से पैसे निकालता है, यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं, आत्माएं तुम तुरंत यंत्रों से बाहर निकल जाओ। आत्माएं यंत्र से बाहर निकल जाती हैं। गांव वाले साइंटिस्ट कैलाश और शर्मा की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।